मेडिकल जोन अंतर्गत आने वाले राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। दुकानदारों के समझाने के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए। इस भीड़ से दुकानदार भी हो रहे हैं परेशान। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया, जिसमें आदेश थे कि कोई भी घर से ना निकले और जरूरतमंद लोग है उन्हें मुफ्त राशन देने का आदेश प्रशासन ने दिया था। लेकिन यही आदेश जी का जंजाल बन गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, जिससे दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है। ये मुफ्त में जो राशन मिल रहा है ना, इसके वजह से ये गर्दी कर रहे हैं लोग। इनको लगता है कि आज मिला तो मिला, कल दुकानदार देगा कि नहीं देगा। तो इसलिए हमारे बड़े अधिकारी ने बोला है कि 30 तारीख तक आपको राशन की दुकान से राशन मिलेगा ही पक्का, गर्दी मत करो। लॉकडाउन का समय है, पुलिस वाले बेटा 5-5 10-10 मिनट में आते, कोई सुनते नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं, या झंझट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको क्यों नहीं देते, एक दो पीछे आगे पीछे भी नंबर हो गया तो लोग यहाँ चढ़ जाते हैं। कल रात को थोड़ा जहाँ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, वही दुकानदार इसका पालन कर डिस्टेंस मेंटेन कर राशन दे रहे हैं। नहीं कर रहे, समझाने के बाद भी नहीं कर रहे, सब डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे। इसके पहले राशन नहीं दिया, इसके लिए आधा घंटा रोका गया लोगों को। जी जी जी। फिर भी थोड़ी देर बाद जब आके इधर बैठ रहा हूँ, फिर वही स्विच फॉलो हो रहा है। अच्छा, बात वो जो नागपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 56 है। लोगों की यही लापरवाही शहर को कोरोना का हॉटस्पॉट की राह पर ला रही है। इसी के मद्देनजर शहर के सुभाष नगर स्थित एक राशन की दुकान पर लोगों की भीड़ ना हो, इसीलिए एनसीसी के जवानों को तैनात किया गया है, जिसे लोगों की भीड़ नहीं होगी और कोरोना की जानकारी देकर उन्हें दूरी बनाए रखने को बताया गया। गुड मॉर्निंग नागपुर, मैं कैडेट सर्जेंट आंचल सागर यादव, नंबर 2 महाराष्ट्र एयर स्क्वाडन एनसीसी की ये हूँ, कैडेट हूँ। और हमारे सारे एनसीसी के छात्र जो हैं पुलिस प्रशासन की मदद के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर जगह दिक्कत फैली हुई है, तो हमारे प्रशासन को मदद करने के लिए हमारे सारे एनसीसी के विंग्स जो है वो मैदान में उतरे हैं। सारे राशन की दुकानों में जहाँ फ्री राशन या फिर जो भी अन्य का सामान है वो दिया जा रहा है, वहाँ पर हमारे सारे एनसीसी के छात्र जाके भीड़ कम करने में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। जो राशन कार्ड वाले हैं उनकी मदद कर रहे हैं ताकि भीड़ कम से कम रहे, और जो लोग हैं जो राशन लेने आ रहे हैं वो 1-1 मीटर की दूरी पे खड़े रहें। और हमारे हर 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 नागपुर के सारे जितने भी राशन की दुकानें हैं अलग अलग जोन्स में डिवाइड किए गए हैं हमारे एनसीसी विभाग की तरफ से, और वहाँ पे हर यहाँ पे 4-4 या 5-5 करके हमारे सारे एनसीसी कैडेट्स हैं। मेरे साथ मेरे और 4 एनसीसी कैडेट्स हैं, जिसका नाम है कार्तिक नेगी, अंकित जमेवार, शुभम और एक चांदेकर करके आर्मी विंग का। सो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप प्रशासन की मदद करें, हेल्प करें। जो ये सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उन सबको प्लीज़ सपोर्ट करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दीपिका धनेश्वर, अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।